हुए बच्चों पर वहां की पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। पुलिस बल को प्रयोग करने का उतना ही अधिकार है जितने उसको रोका जाए, लेकिन जिस तरह हाथ पैर उनके टूटे हैं, गिरे हुए रहम की भीख मांग रहे हैं और उन बच्चों पर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार कश्मीर में जिस तरह प्रहार कर रही है, मार रही है, आतंक फैला रही है, उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और भारत सरकार से चाहता हूं कि वहां हमारे बच्चे सुरक्षित हैं इस पर जवाब दे। ये पुलिस ने जो कुछ भी वहां किया है भारतीय जनता पार्टी के, वो अक्षम्य अपराध है। मुझे तो लगता है चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कश्मीर हो, कुछ नौजवानों से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को दुश्मन नहीं। देखिए कश्मीर तो ऐसे ही मामला बहुत वहाँ का गंभीर है, सेंसिटिव है, और इसलिए बहुत होशियारी से और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना उचित नहीं होगा, और एक तरह से ये अच्छा हुआ है कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स को या पैरामिलिट्री फोर्स को वहाँ लगाया गया है, क्योंकि किसी तरह की वहाँ का माहौल बिगड़ता है तो उसका असर उस पूरे इलाके में पड़ेगा। हाँ, राजू केरनी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू केरनी, ये बताइए मामला क्या था? अभी तक गफलत की स्थिति बनी है, कोई कह रहा है तिरंगा लहराने का मामला है, कोई कह रहा है अंदरूनी मसला है, कोई कह रहा है कि यहाँ पर भारत माता की जय नारे लगाए जा रहे थे, पुलिस ने बर्बरता दिखाई। क्या स्थिति क्या है, साफ क्या मामला है? देखिए ये मामला जो है ये उसी दिन से ही बिगड़ जाता है जिस दिन जब भारत में जो है वेस्टइंडीज से मैच हारा, और उसके बाद जो है दोनों पक्षों की तरफ से जो है भारत विरोधी और भारत के समर्थन में जब नारे लगाए गए। अच्छा, उसके बाद सिचुएशन जो बिगड़ी और वो बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि कल जब जो है पुलिस की तरफ से बर्बरतापूर्ण जब लाठीचार्ज किया गया जिसमें कई स्टूडेंट्स घायल हुए, और उसके बाद जो है सिचुएशन ये काफी खराब हुई है। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो है वर्षन निकल के आ रहे हैं, कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये कॉलेज का अपना मामला है, लेकिन उसी दिन हो गई थी जब भारत माता की जय और तिरंगा फहराने के बाद जो है ये हालात वहां पे बने थे। और इन सारे हालात को देखते हुए जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे जम्मू में हैं, उनमें काफी चिंता है, वो अधिकारियों से मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के जो यहाँ पे नेता है, लुधियाना के गवर्नमेंट असेंबली के जो स्पीकर है, उनसे हमारी सुबह बात हुई, उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं कश्मीर घाटी में जो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है सरकार रहे और यहाँ पे अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। तो उनका ये साफ कहना था कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें विश्वास बहाली के लिए सरकार हर संभव जो है कदम उठाएगी। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्रों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि अगर छात्र संयम पेशेंस नहीं दिखाते तो बाहरी लोग इसका एडवांटेज उठाकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पहले दिन से ही निरंतर वहां से फीडबैक ले रहे हैं, विदेश मंत्री जी भी निरंतर बात करती हैं मुख्यमंत्री से, डीजी पुलिस से, हम जो प्रदेश से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो तो संपर्क में ही हैं, और छात्रों की हर प्रकार की चिंता की जाए, ना उनको कोई शारीरिक हानि पहुंचे और ना ही उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई खलल हो, इन दोनों पहलुओं का ध्यान रखते हुए ही आगे की रणनीति तय होगी। निश्चय ही सबसे पहले तो मैं जैसा कह रहा हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि छात्रों के प्रति फोर्स का इस्तेमाल ना हो, परंतु साथ ही साथ छात्रों को भी ये अपील है आपके माध्यम से कि वो संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, अन्यथा कई बार क्या होता है कि बाहर के तत्व आकर के राजनीति की रोटियाँ सेकते हैं, छात्रों की कॉज और छात्रों की मांग एक तरफ रह जाती है और ये सारी परिस्थिति किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। एनआईटी के छात्रों पर लाठीचार्ज करे जाने पर घर वाले गुस्से में अधिकारियों से मुलाकात लगातार वो कर रहे हैं। बढ़ रहा है, वो रात को हम पूरी रात नहीं सोए हैं, वो बोल रहे हैं हमारी पिटाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं धमकियां मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, आगे पीछे से पथराव चलता है, वो बोल रहे हैं आपको 6 महीने तक 3 साल तक हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, नहीं हम आपको पढ़ाएंगे, जे जे बातें करेंगे। वहाँ माहौल ठीक होना चाहिए, बच्चों को सेफ्टी होनी चाहिए। अगर बच्चों के साथ ऐसी करनी है तो मिलिटेंट्स के साथ आप प्यार से रखोगे उनको? आई फेल टू अंडरस्टैंड। हमें नहीं लगता कि श्रीनगर में कोई भी नेशनल टाइप का इंस्टीट्यूट खोला जाए। और आज मैं पूछता हूँ आरटीए एक्टिविस्ट कहाँ है, वो आज क्यों नहीं आगे आ रहे?
उनको सिर्फ मिलिटेंट मरने का दुख होता है, बच्चों को जो बच्चों को मारा जाता है, इनोसेंट बच्चों को जो छोटे हैं अभी, जिनको अभी दीन दुनिया का पता नहीं है, उनको मारा जाता है, तो उस टाइम वो लोग खामोश रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। पुलिस के कमेंट्स है ना, ये बच्चों ने तोड़फोड़ की है, बिल्कुल गलत है। किसने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, वो शांतिपूर्वक उनका पीसफुल तरीके से बैठे थे, ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या लाठीचार्ज किया गया? लाठीचार्ज बिना मतलब किया गया, कोई बच्चों की कोई कसूर नहीं है, चुपचाप बैठे थे। और श्रीनगर NIT में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में नेशनल पैंथर्स पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। NIT के स्टूडेंट्स को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। गैर कश्मीरी स्टूडेंट्स को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो।